नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक वर्मा है। मैंने अभी 2023 वाले दिसंबर वाले साइकिल में फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट क्लियर किया है। आज मैं आप लोगों को पेपर वन की स्ट्रैटेजी बताऊंगा, जिसमें मैं ये बात करूंगा कि कैसे आप 40 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी के साथ ही साथ मैं आप लोगों को जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हर यूनिट्स के, वो बताते जाऊंगा, ताकि आप 40 तक किसी का ना भी आए तो आपका एटलीस्ट 25-30 क्वेश्चन इजीली सही हो जाएंगे विदाउट DI या विदाउट मैथ्स वगैरह का। तो मैं पूरी कंप्लीटेड स्ट्रैटेजी पे बात करूँगा अभी इस वीडियो में। तो पहले तो अगर देखा जाए तो पेपर वन का रूल ये होता है कि आप पैसेज जो होता है कॉम्प्रिहेंसन, वो 5 में 5 सही करके आएँ, क्योंकि 5 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो 5 सही करना मतलब कोई बड़ा चैलेंजिंग टास्क नहीं होता, तो 5 आप सही करें और 5 क्वेश्चन DI से रहते हैं। तो आप इंश्योर करें कि DI के आप 5 क्वेश्चन सही कर लें, ताकि आपको 10 10 क्वेश्चन आपकी इजीली सही हो जाए। उसके बाद आप बाकी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप बाकी क्वेश्चन का आप देख सकते हैं, क्योंकि कंप्रिहेंशन पे पढ़ने के लिए कोई चीज़ है नहीं अवेलेबल। आप एक दो टेस्ट लगा सकते हैं PYQ वाले, और DI का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दो जगह से क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट शॉर्ट आते हैं, 5 क्वेश्चन आना ही आना है। रही बात आपकी पेपर यूनिट वन की टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में मैं अभी तक फ़िलहाल मैं अभी जून वाला भी दे दूंगा। तो उसमें ये है कि आप टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए जो आपके स्टैंडर्ड रिसोर्सेस है वो आप फॉलो करें, और आप PYQ देख लें कि आपका कौन सा एरिया वीक है। यहाँ से मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं वो लेवल ऑफ टीचिंग आते हैं, या तो वो लोग ब्लूम टेक्सोनॉमी से पूछ लेंगे, या रिफ्लेक्टिव या मेमोरी लर्निंग से पूछ लेंगे, या तो उनके फेवरेट टॉपिक में मैस्लो हायरार्की है। आप स्वयं का देख सकते हैं, स्वयं से क्वेश्चन आ जाता है, MOOC से आ जाता है, क्योंकि अभी एडवांस लर्निंग NEP से आ जाता है क्वेश्चंस। तो आप क्या कर सकते हैं, स्वयं के वेबसाइट्स पे आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आपको हेल्प हो जाएगा। या तो आप स्वयं प्रभा के वेबसाइट से जो उनके जो चैनल्स हैं वो आप देख सकते हैं, जो 40 चैनल हैं वो देख सकते हैं आप। तो आप वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो आपको आपका जो रिसोर्सेस है प्राइमरी, उसके बाद आप ये चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। मैं मतलब बहुत साल का PYQ किया हूँ और मॉक लगा रहा हूँ एज अ PYQ, तो वहाँ से मेरे को पता चला कि ये मेन एरिया है। अगर इतना भी करके जाओगे, आपका कुछ भी प्रिपरेशन नहीं है पेपर वन का, तो आप तो 25 तो क्वेश्चन ईजिली सही कर सकते हैं, 25 तक 27 तक। अगर आपका प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं, अभी भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये जो टॉपिक्स हैं वो आप करोगे तो ईजिली आपका 25 30 तक चले जाएगा। अगर आपको JRF निकालना है तो 37 38 तक आपको लाना पड़ेगा, उसके आगे जितना भी जाए। तो आप देख सकते हैं कि मेथड्स ऑफ टीचिंग पूछ रहे हैं, और इवोल्यूशन हुआ है एजुकेशन सिस्टम का जो होता है, तो वो वहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। मतलब कैसे इवॉल्व किया है, अभी कौन कौन सा सॉफ्टवेयर से यूज़ होता है टीचिंग के लिए, वो आप देख सकते हैं। जैसे कोर्सेरा हो गया, खान एकेडमी हो गया, या उससे पूछ लिया, या किससे वीडियो बनता है, किससे क्या होता है। तो ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप और देख सकते हैं। मैं आने वाली वीडियो में और बात करूंगा इन डेप्थ यूनिट वाइज स्ट्रैटेजी पे। तो आप PYQ ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं। PYQ ये कि आप पॉल साइंस का ना लगाएं, दूसरे दूसरे सब्जेक्ट का, दूसरे दूसरे सब्जेक्ट्स का लगाएं, तो उससे ये होगा कि आपका एक तो PYQ मॉक एज ए मॉक आपका काम हो जाएगा। दूसरा ये कि PYQ क्वेश्चंस जो आप लगाएंगे दूसरे सब्जेक्ट्स का, उससे भी मैक्सिमम क्वेश्चंस आने का प्रोबेबिलिटी रहता है कि वो अभी वाले पेपर में दे दें। क्योंकि मैं ऐसा देखा हूँ कि बहुत सारे पेपर मैं PYQ लगा रहा हूँ, तो उससे पता चल रहा है ये तो अभी भी आया, तो उनके पास ऑप्शंस रहते नहीं है, क्वेश्चंस कहाँ से लाएंगे नया, तो वो लोग PYQ ही रिपीट कर देते हैं दूसरे दूसरे यूनिट का। या तो आप पॉल साइंस हैं तो आप इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, इस सब का लगा सकते हैं, या तो आप पॉल साइंस वाले तो अदर, आप इकोनॉमिक्स वाले तो आप दूसरे दूसरे सब्जेक्ट्स का लगा सकते हैं। NTA जनरली वही है कि रिपीटेड टॉपिक्स पे पूछता है, जिस पे फर्स्ट यूनिट पे बात किया मैं, आगे वाले वीडियो में और इन डेप्थ मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूँगा। अभी तो एक ओवरऑल मैं पिक्चर दे रहा हूँ आप लोगों को,
रिसर्च एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मेथड ऑफ रिसर्च से आते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, या तो प्रोसेस से आ गया क्वेश्चन रिसर्च के, क्या प्रोसेस है इंट्रोडक्शन से लेके लास्ट तक जो उसका प्रोसेस है, या तो आपका सैम्पलिंग से आ गया, कौन सा सैम्पलिंग है ये, किस तरीके का सैम्पलिंग है, कन्विंसन सैम्पलिंग है तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो गया, उससे क्वेश्चन आ जाते हैं वो आप अच्छे से कर लें। स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग हो गया, हार्वर्ड स्कूल हो गया, अमेरिकन मेडिकल स्कूल हो गया, या वो वहाँ से क्वेश्चन मैं देखा हूँ कि आजकल आ रहे हैं। रिसर्च प्रोसेस से भी आते हैं क्वेश्चंस कि आप किस तरीके का रिसर्च करेंगे, लाइक अगर एक्सपेंसिव है रिसर्च तो उससे मतलब कौन से टाइप का रिसर्च होगा, अगर प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है तो वो प्राइमरी सोर्स ऑफ रिसर्च में ज़्यादा टाइम लगेगा या सेकेंडरी में लगेगा, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। आप मेरे को ये लगता है पर्सनली कि पेपर वन में जो टीचिंग एप्टीट्यूड है और रिसर्च एप्टीट्यूड है उसके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट मारना पढ़ सकता है, क्योंकि ये चीज़ें आप लोगों के लिए नई हो सकती हैं, जिसके लिए आप वीडियो फॉलो कर सकते हो भरत कुमार या तलवीर, कहीं भी आपको यूट्यूब में आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, या तो जेआरएफ अड्डा, आप तीनों ही बेस्ट हैं। मैं पर्सनली जेआरएफ अड्डा का आप मैराथन देख सकते हैं, या तो आप यू कैन गो फॉर लाइक भरत कुमार का अनअकैडमी का जो होता है, उनके जो प्लेलिस्ट हैं यू अनअकैडमी वाले, वो आप देख सकते हैं। तो ये दो हैं जिसके लिए आप PYQ देख सकते हैं, और रिसर्च आपका बेसिक जो चीज़ें हैं उस पर आप काम कर सकते हैं। तीसरा पार्ट पे मैं बात करूँगा कि यार ये टॉपिक तो पांच क्वेश्चंस इसके फिक्स रहते हैं कि आना ही आना है पांच, तो आपको कंप्रिहेंशन के लिए ये करना है कि आप ये इंश्योर कर लें कि आपकी कंप्रिहेंशन बन जाए। इसके लिए आप एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले या 5 दिन पहले आप 9-10 PYQ जो कंप्रिहेंशन आए हैं वो आप लगा सकते हैं दूसरे दूसरे सब्जेक्ट्स के, या तो पॉल साइंस के ही, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार आप हाँ आपसे 5 के 5 क्वेश्चन बन जाएंगे, ये फिक्स है, ये क्वेश्चन यहाँ से फिक्स आते हैं, आपका 5 क्वेश्चन यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। तो ये तो आप खुद से ही कर सकते हैं, आपको रीडिंग से ही आएगा। आप ट्राई करें कि जल्दी से जल्दी ये सॉल्व कर लें बिना गलती के, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत लोगों ने गलत किया था, मेरा खुद पर्सनली गलत हुआ था। रही बात कम्युनिकेशन की, 4th यूनिट की थी, कम्युनिकेशन में आप 4 से 5 क्वेश्चन इजीली बना ले जा सकते हैं। नेचर ऑफ एग्ज़ाम जो नेचर ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी इजी टाइप के होते हैं, इसमें जनरली बेरियस ऑफ कम्युनिकेशन पे पूछा जाता है, या तो वर्बल क्वेश्चन हो गया, वर्बल रीजनिंग, वर्बल लैंग्वेज हो गया या अनवर्बल हो गया, उससे पूछा जाता है। यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन टेक्निक हो गया, ये इससे पूछा जाता है, या तो आपका पूछा जाएगा कि मेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, सिमेटिक्स क्या होता है, या आपका और भी जो है फिनोटिक्स हो गया, या जो भी आपके जो लैंग्वेज हैं उनसे पूछा जाता है किस तरीके का है, आप ज़्यादा एक्सप्रेसिव नेचर का कौन सा कम्युनिकेशन होता है, तो वो आप देख सकते हैं। आप सब्जेक्ट्स करेंगे, आप PYQ लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा जो इंपॉर्टेंट एरिया है। फिलहाल मेरे लिए ये जो 3 चैप्टर दो बेरियस ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल नॉर्मल वर्बल और यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन, ये तीनें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक आपको लार्ज ग्रुप डिस्कशन के लिए है तो किस तरीके का कम्युनिकेशन यूज़ होगा, या तो आपको क्लासरूम में पढ़ाना है तो किस तरीके का कम्युनिकेशन यूज़ होगा, ये सब जनरली क्वेश्चंस रहते हैं। तो यहाँ से आप 3 क्वेश्चन 5 में से 4 क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं, यहाँ तो 5 में से 5 कर सकते हैं। रिसर्च वाले में मैं बोलूँगा कि आप रिसर्च वाले में 3 से 4 क्वेश्चन आप इजीली कर ले जाएंगे, और सेम फॉर टीचिंग एप्टीट्यूड, अगर आप अच्छे से करते हैं तो 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आप बना ले जाएंगे। ये 4 यूनिट का आई होप आपको समझ में आ गया। आप प्रेफरेंस के लिए PYQ रिफर कर सकते हैं दूसरे सब्जेक्ट्स का। 5वें के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इट इज़ लाइक मतलब ये ऐसा है कि आप नहीं करके जाएंगे तो आपका नेट नहीं भी हो सकता है, क्योंकि लोग बनाते नहीं हैं इस एरिया को। तो ये आपका ऐसा कि मार्क्स आपको एज देगा, अगर आप बनाते हैं, आप मैथ्स में अच्छे हैं तो आपका स्कोर हाई जा सकता है दूसरों से। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक 4 से 5 आप क्वेश्चन सही कर सकते हैं, अगर आपको नहीं भी आता तो भी आप 3 कर ले जाएंगे। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं जनरली जहाँ से आते हैं, आप इतना भी करेंगे तो आप 4 क्वेश्चन आपके ईजिली बन जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स में हैं प्रॉफिट लॉस हो गया, एक पॉपुलेशन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से क्वेश्चन आ जाते हैं, आपके सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आ जाते हैं, डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस रहते हैं कि कौन सा डायरेक्शन होगा, क्या होगा, कैसे होगा, आप वो आप तैयार कर सकते हैं। ब्लड रिलेशन से आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, ब्लड रिलेशन से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक आदमी रहेगा उस वो बोलेगा कि पेंटिंग में वो जो है वो कौन है, ऐसा। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आ जाते हैं, ABCD हो गया या जो भी है, लखनऊ लिखा है तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा,
एवरेज से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप अगर कोडिंग डिकोडिंग एनालॉग से आ जाते हैं क्वेश्चंस आपके ए बी सी डी, या तो आपके 3 हो गया, 5 हो गया, और इधर 9 हो गया, तो इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कौन सा सीरीज होगा, सीरीज से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अगर आप मैथ्स के लिए इतना ही टॉपिक करके जाएंगे तो आपका 3 से 4 क्वेश्चन सही हो जा सकता है। अगर आप मैथ्स में अच्छे नहीं है फिर भी ये इजी इजी टॉपिक्स हैं, आप इंटरनेट से करेंगे तो आपका डेफिनेटली हो जाएगा इतना टॉपिक प्रिपेयर, तो आप इजीली यहाँ से 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। लही बात लॉजिकल रीजनिंग थी, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से तो मैं बोलूँगा 5 में 5 क्वेश्चन सही कर सकते हैं आप। इसमें से मेरा जो एनालिसिस रहा है, मैं 20-30 PYQ दूसरे सब्जेक्ट्स का लगा चुका हूँ, इसके जो नेचर ऑफ क्वेश्चन होते हैं काफ़ी ईजी होते हैं। तो ईजी में आपका 3 क्वेश्चन तो फिक्स है, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से आएंगे, फिक्स है, AEIO सब क्वेश्चन आएंगे जिसको आपको करना पड़ेगा, तो वो 3 क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। सॉरी तबीयत खराब है। तो 3 क्वेश्चंस आपके, सॉरी यार, तो 3 क्वेश्चंस आपको AEIO से मिल जाएंगे। जो नेचर ऑफ एग्जाम है, अगर आपको पता है कि AEIO का कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप इजीली वो क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। तो आप AEIO कर लें कि ऑल ऑरेंजेस आर ग्रीन, ग्रीन ऑरेंजेस आर रेड, ये जो भी है क्वेश्चंस आपके बनते हैं जो वेन डायग्राम से बनते हैं, या तो जो आप फॉलो करते हो AEIO का कॉन्सेप्ट, तो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से 3 क्वेश्चन एकदम फिक्स हैं। आप नेचर ऑफ क्वेश्चंस देख सकते हैं, वही सेम चीज़ रिपीट होता है, बस वो नाम बदल देता है, ऑरेंजेस आर ग्रीन को बोल देगा ऑल टेररिस्ट आर मैन, या ऐसा टाइप से कुछ भी, या ऑल टेररिस्ट आर वुमेन, जो भी है वो आप देख सकते हैं कि वो बस टर्मिनोलॉजी को बदलता है, या तो कौन सा ट्रू होगा कौन सा इमीडिएट फॉल्स होगा। ये आप 3 क्वेश्चंस आप यहाँ से एकदम बिल्कुल इंश्योर कर सकते हैं। दूसरा, ये फॉर्मल इनफॉर्मल फैलेसीज से पूछता है। फॉर्मल फैलेसीज से एक क्वेश्चन फिक्स है, या तो आप इनफॉर्मल फैलेसीज से आपका एक क्वेश्चन फिक्स है, तो आप ये दोनों को देख सकते हैं। और तीसरे में आपका हितोभास से एक क्वेश्चन आएगा, एक तो इंडियन और वेस्टर्न। तो ये जो 4 टॉपिक हैं आपके, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से 3 क्वेश्चन आ गए, फॉर्मल इनफॉर्मल से एक क्वेश्चन रहेगा, या तो फॉर्मल से आएगा तो इनफॉर्मल से आएगा, हैतोबाद से एक क्वेश्चन रहेगा, या तो इंडियन से रहेगा तो वेस्टर्न से रहेगा। तो 3 हो गया, 1 4 हो गया, 1 5 हो गया। तो आपको 5 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स पता है कि आपको कहाँ से आएंगे क्वेश्चन, तो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप भरत कुमार खान अकेडमी का वीडियो देख सकते हैं, या तो JRF अड्डा का देख सकते हैं, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन, तो इजीली आपसे बन जाएगा, एक दिन का ही काम है। DI मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये फिक्स रहता है कि क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो आप 5 सही कर सकते हैं अगर मैथ्स आपका अच्छा है। तो अगर आप DI करना है तो यार आप वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब से, DI के अलग अलग तरीके से वीडियो देख सकते हैं, या तो मैं तो ये बोलूँगा अगर आपको मैथ्स से डर लगता है, आपका नहीं बनता मैथ्स वगैरह या कुछ भी नहीं बनता, तो आप ये कर सकते हैं कि आप ए 5ों में मार सकते हैं। अगर आपको नहीं आता, या तो बी बी बी, आप जो भी तुक्का मारे, क्योंकि अगर आप तुक्के से मारोगे ए मारे फर्स्ट क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में आप सी मार दिए, तीसरे क्वेश्चन में डी मारे, उसकी प्रोबेबिलिटी कम रहती है, तो आपके से कुछ भी नहीं बन रहा है, आपको बिल्कुल भी DI समझ नहीं आ रहा, तो एक से मार दीजिए तुक्का, 2 भी सही हो जाता है तो काम बन जाएगा आपका। तो ये रूल आप फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज आप DI, आपको JRF निकालना है तो आप DI आप में मेहनत करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से आप प्रैक्टिस PYQ प्रैक्टिस कर सकते हैं, PYQ से हो जाएगा आपका कि नेचर ऑफ क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, यूट्यूब से देख सकते हैं। तो यहाँ से 5 क्वेश्चंस फिक्स हैं आपके, ये जो बता रहा हूँ हवा में नहीं बता रहा हूँ, ये मैं 30-40 क्वेश्चंस देखा हूँ PYQ, और मैं खुद पेपर दिया हूँ, एनालिसिस किया हूँ, तो उसके बेस पे बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं उठ के आ गया हूँ और बता रहा हूँ, तो आप भरोसा कर सकते हैं। आप PYQ भी देख सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए कि सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। 8वें यूनिट की बात करूँ तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इससे मैं 4 से 5 क्वेश्चन मानूंगा कि डुएबल है एकदम, जिसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे। MS Excel से एक क्वेश्चन आ रहे हैं अभी के लिए फिलहाल, पॉल साइंस वालों में तो आ रहे हैं, MS Excel से क्वेश्चन आ रहे हैं। सॉफ्टवेयर वगैरह नया कुछ आ गया AI वगैरह पे, या क्यूबिट किस में यूज़ होता है, या इस पर आ गया क्वेश्चन, या तो आपको 10 MB वाला जो भी म्यूज़िक है वो 1 GB में कितना स्टोर हो सकता है, ये इस तरीके क्वेश्चन आ सकते हैं। रैम रोम से क्वेश्चन आ जाते हैं, इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन आ जा सकते हैं, कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट है, इससे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो बेसिक जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इंटरनेट वगैरह, फिशिंग हो गया कि
स्पाईवेयर हो गया या आपका फिशिंग हो गया कि कोई ईमेल जा रहा है आप उससे ट्रैप हो जा रहा है, एंटीवायरस अपने आपको रिप्लिकेट कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि या तो आपका हैकिंग वगैरह होता है जो आपको कीवर्ड्स को करता है, जो हैक कर लेता है आपको, मतलब कंप्यूटर को, आपके जो कीबोर्ड में प्रेस करोगे तो उससे आता है क्वेश्चन वगैरह, क्या है क्वेश्चन, आप इससे भी देख सकते हैं, लैन से हो गया, लैन लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, मेट्रोपोलिटेनियन एरिया नेटवर्क हो गया या वाइड एरिया नेटवर्क हो गया, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिक कंप्यूटर आपको पता है तो हो जाएगा, या तो फुल फॉर्म से क्वेश्चन आ गया, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है, सिम कार्ड का फुल फॉर्म क्या है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। फिलहाल के आप ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर आप रिलाई कर सकते हैं, इनको तो आप मस्ट है कर लीजिए। बाइनरी से एक क्वेश्चन आ रहे हैं, बाइनरी टू डेसिमल हो गया, डेसिमल टू बाइनरी हो गया, ये आप या तो हेक्साडेसिमल हो गया, बहुत ईजी होते हैं आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको इतना भी आप टॉपिक कर लेते हैं आपके 3 से 4 क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे, मैं तो फॉर श्योर बोल सकता हूँ। आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पता चल रहा है कि इनपुट आउटपुट ही नहीं पता कौन सा है, कंप्यूटर ही स्टार्ट करने नहीं आ रहा, इस स्थिति में नहीं आएगा। तो आपको थोड़ा बहुत एफर्ट मारना पड़ेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन, आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज तो पता होना चाहिए कंप्यूटर का। 9वें यूनिट की बात करता हूँ तो लोगों को जनरली प्रॉब्लम जाता है यहाँ पे, पीपल इकोनॉ डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, यहाँ से आप 3 चार क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से मेरे को जो क्वेश्चन लगता है जो हर बार रिपीट हुआ है, एक तो कन्वेंशन हो गया, कॉपनहेगन कब आया था 2009 में आया था, असमिट कब हुआ था 1992 में हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था 1997 में आया था आई गेस, 2006 में रेक्टिफाई हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था 1987 में हो गया, या तो आपका पूछ लेंगे कि स्टॉकहोम कन्वेंशन कब हुआ था 1972 में हुआ, तो ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। कन्वेंशन हो गया, प्रोटोकॉल की गाली कब आया था 2017 में आया था, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एक्सटेंडेड वर्जन था, तो ये आप देख सकते हैं कि कौन सा कन्वेंशन कब आया था, क्या काम किया। ओजोन लेयर इनका फेवरेट टॉपिक है, स्ट्रेटोस्पियर और ओजोन लेयर कहाँ पाया जाता है, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्पियर में पाया या तो कौन से रीजन में ओजोन होल देखा गया था, ये इनके फेवरेट टॉपिक में हर साल क्वेश्चन आता है। जैसे पॉल साइंस में ईवी नाइकर जो होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट उनका फेवरेट टॉपिक है, या तो ज्योतिबा भाई फुले, तो सेम इज इन्वायरमेंट में ये स्ट्रेटोस्पियर वाला इनका फेवरेट है। या तो आप थर्ड में आप एयर क्वालिटी इंडेक्स हो गया, ये सी ड्रेन हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ये देख सकते हैं, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कौन कौन सा है देख सकते हैं, कॉप का समिट देख सकते हैं कौन सा कॉप कब हुआ था, शर्मिल से कब हुआ था, या आपका पेरिस एग्रीमेंट तो पेरिस वाला कब हुआ था जो 2015 में COP21 था, तो ये आप देख सकते हैं इससे क्या क्वेश्चन आया। आप ये देख सकते हैं लॉस एंड डैमेज फंड कब आया था, वो शायद देख लेना आप इजिप्ट वाले में आया था शायद। तो आप ये सब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं लिखा हूँ मैं इसका PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप पे, तो आप देख सकते हैं कि ये जो फेवरेट टॉपिक हैं और जो टॉपिक्स हैं मेरे को लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप देख सकते हो इन टॉपिक पे, आप तो बिल्कुल आँख बंद करके रिलाई कर सकते हो। ये मैंने खुद के लिए बनाया था और भी बनाते जा रहा हूँ, तो आपको अपडेट करते जाऊँगा वीडियो में। हायर एजुकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे भी मैं टॉपिक लिख दिया हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हर साल कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं उनका मैं आपको बता देता हूँ। एक तो इनका तक्षशिला से आता है, तक्षशिला नालंदा से क्वेश्चन आ रहा है, तक्षशिला कब आया था, कौन से BC में आया था, इन यूनेस्को का कब मिला 1980 में मिला, तक्षशिला को कब मिला 2009 में मिला, तो ये आप देख नालंदा को कब मिला 2009 मिला सॉरी, तो ये आप देख सकते हैं कि तक्षशिला नालंदा में कौन पढ़ा है, क्या क्या पढ़ाया जाता था, ये क्वेश्चन इनके फेवरेट होते हैं, तो ये आ सकता है। एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम हो गया, कैसा था, क्या था, कैसे एंट्री होता था, कैसे एडमिशन होता था, क्या क्या पढ़ाया जाता था, मल्टीपल सब्जेक्ट्स थे, तो वो आप देख सकते हैं। लॉर्ड कर्जन इनका फेवरेट टॉपिक है कि लॉर्ड कर्जन क्या किया 1902 में, क्या किया 1995 में, क्या किया, कौन कौन सा यूनिवर्सिटी लेके आया, कौन से रेस्ट्रिक्शन लगाया, तो ये आप देख सकते हैं ये वाला लॉर्ड कर्जन के बारे में। कमीशन में आप कोठारी कमीशन देख सकते हैं, कस्तूरी रंगन कमीशन देख सकते हैं, या तो 1968 का देख सकते हैं या तो 1986 का देख सकते हैं आपको, तो NEP तो इम्पॉर्टेंट है ही, तो ये इससे रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी मिनिस्ट्री का फुल फॉर्म देख सकते हैं, स्वयं क्या है देख सकते हैं, स्वयं प्रभा क्या है देख सकते हैं, ये सब चीज़ें अब बेसिक जो इन एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट जो आते जा रहा है, नेशनल करिकुलम फॉर्म फ्रेमवर्क देख सकते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग देख सकते हैं, GRE देख सकते हैं, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो है हायर एजुकेशन पे 2035 में 50% करने का, या कितना देख लेना आप कितना करने का बात किया, 50% ही आई गेस, तो वो आप देख सकते हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम को तो आपको देखना पड़ेगा कि कैसे इवॉल्व हुआ है, तो
इतना 10 यूनिट का मैं बता दिया हूँ आपको, इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स स्टार्टिंग से ही बता दिया हूँ कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आपको JRF करना है तो आपको अच्छे से करना पड़ेगा। 30, 38, 40 बहुत सेफ स्कोर होता है JRF के लिए। अदरवाइज़ आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपका प्रिपरेशन स्टार्ट भी किया हो, तो उनके लिए भी बेस्ट है कि आप अभी भी टाइम है कि आप इजीली 30 तक स्कोर कर सकते हो। इजीली जो क्वेश्चन बताया हूँ मैं अभी यहाँ पे डिस्कस किया हूँ उसको ही आप करोगे तो आपके इजीली 25 क्वेश्चन आ जाएंगे। थोड़ा बहुत आपके नॉलेज से गेसिंग से बन सकता है क्योंकि आप PG किए हो तो थोड़ा बहुत आप उतना तो सबको आइडिया रहता है, ऐसा नहीं है कोई डब्बा तो होगा नहीं, तो आप इजीली 25 कर सकते हो तो आपका हो जाएगा इतने में भी अगर किस्मत सही रहा तो। पेपर वन आपका अच्छा है, पेपर वन के लिए सॉरी पेपर टू आपका अच्छा है, तो इसमें मैं यही रिकमेंड करूँगा। तो आप PYQ सॉल्व करें जितना हो सकता है, एज ए मॉक PYQ ही मॉक बोल दिया हूँ डिफरेंट सब्जेक्ट का, ताकि आपको नॉलेज मिलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें DI से 5 क्वेश्चन फिक्स आते हैं, इसमें आपके 5 क्वेश्चन कम्प्रिहेंशन से फिक्स आते हैं, इसमें आपके मैथ्स के चार पाँच क्वेश्चन प्रिडिक्टेबल है फिक्स आते हैं। बाकी जो टॉपिक है उनके 3-4 क्वेश्चन तो सब यूनिट के बता दिया हूँ, 3 यूनिट का तो बता ही दिया आपको एकदम शॉर्ट शॉर्ट। बाकी यूनिट का मैं आपको कितने तीन 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 क्वेश्चन सब यूनिट से क्वेश्चन बता दिया हूँ कि कहाँ कहाँ से आते हैं क्वेश्चन, तो बाकी 7 यूनिट से आप 21 क्वेश्चन बाकी 7 यूनिट से हैं तो, और आप PYQ देखेंगे करेंगे तो आपका हो जाएगा इजीली। यहाँ से 21 तो बता ही दिया हूँ, आपके 5 और 5 ऐड कर लिए तो 31 हो गया, फिर 35 क्वेश्चन तो आपको पता ही है कि किस नेचर के आते हैं। 35 क्वेश्चन एकदम रैंडम हो सकते हैं, आप थोड़ा बहुत भी करते हैं तो आपसे बन जाएगा। NTA बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट करता है डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स का या सब्जेक्ट्स का, तो जो बोला हूँ इसीलिए बोला हूँ वीडियो बनाया हूँ कि आपका हेल्प हो जाए। तो PYQ देखा हूँ 30-40 क्वेश्चंस पेपर पिछले साल का मॉक लगा रहा हूँ, मैं खुद ही देख रहा हूँ तो उस बेसिस पे बनाया हूँ एक ओवरऑल कि कहाँ से आता है क्वेश्चन। पेपर टू का भी बनाया हूँ, मैं अपलोड कर दूंगा। की पॉइंट्स नोट करते रहें कौन कौन सा नया है क्या क्या है, तो वो आप नोट करते जाएँ, आप PYQ लगाएं तो कीप इन्हेंसिंग योर नॉलेज, जितना आप नॉलेज इन्हेंस करेंगे उतना ही आपका काम आएगा और आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। बाकी और पेपर वन बनने के भी स्टे कूल एंड काम जो भी है, और सॉल्व PYQ चिल करके करो क्योंकि स्ट्रेस लेके करने से कुछ नहीं होता। पिछले बार दिया था काफ़ी स्ट्रेस लेने से एट द एंड कुछ भी नहीं मिलता, तो बेटर है कि आप कूल एंड काम रहें, आप इंजॉय करते हुए करें, ज़्यादा रिजल्ट का ना सोचें। वो 2 घंटे 3 घंटे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, रहता देन आप उतना ना भी पढ़े तो आप वहाँ दिमाग से करेंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो थैंक यू, दिस इज़ विवेक वर्मा साइनिंग ऑफ। तो आप कुछ भी हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और आपको वीडियो कैसा लगा बताइए ताकि हम नेक्स्ट सीरीज में काम करेंगे कि और क्या चीज़ें कर सकते हैं, आप बिल्कुल बता सकते हैं, मैं कंटिन्यू रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।